नमस्कार, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी बहुत ही हेल्दी लौकी की खीर। ये लौकी की खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वादिष्ट लौकी की खीर। इसके लिए सबसे पहले हम दो लौकी लेंगे और इनको छील कर कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने लौकी कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम लो फ्लेम पर काजू बादाम रोस्ट कर लेंगे। अब ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम 2 लीटर दूध कढ़ाई में डालकर रख देंगे और चलाते रहेंगे। अब दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें लौकी डाल देंगे और लो फ्लेम पर 4-5 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। चार पाँच मिनट लो फ्लेम पर पकने के बाद अब हम इसमें 4 चम्मच सूजी डाल देंगे और कंटिन्यू 1 मिनट तक चलाते रहेंगे। अब 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसको 7-8 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब 7-8 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे और 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें काजू बादाम और किशमिश डालकर मिक्स कर लेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। अब लगभग 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर पकने के बाद जब इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाए तब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और लास्ट में पिस्ता से गार्निश कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी लौकी की खीर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।